जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को गदावरी जंक्शन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज बनाने जा रहे हैं खसिया। खसिया यानी कि चकना। बिहार में जो साड़ी पीते हैं ना, उनके लिए ये चकना है। पर इसका नाम है खसिया और चने से बनता है। और ये देखिए, मेरे पास गांव का देसी चना है जो बिल्कुल छोटे छोटे साइज वाला है। और खसिया बनाने के लिए कभी भी छोटा चना यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा भुना नहीं जाता है, थोड़ा कच्चा और थोड़ा ही पका हुआ रहता है। और मसाला तो इसमें जाएगा पर तेल नहीं रहेगा, ऑयल फ्री है। और खाने में जैसे ये मुँह में जाएगा ना, तो स्पाइसी मिर्ची नाटेदार स्वाद लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो गांव में मिलता था, यहाँ जो नहीं मिलता है वो मैं घर पर बनाती हूँ। तो चलिए आज फिर से एक और नया डिश खसिया बनाते हैं आप सबके सामने। तो इस खसिया बनाने के लिए पहले चने को धोना है, ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह कचरा है वो सब निकल जाए। और भिगाना नहीं है, एक दो मिनट के लिए भिगाना है, धोना है इसको बढ़िया से। तो सबसे पहले हम इसको धो लेते हैं। धोने से ये देखिए, जो ऊपर कचरा है ना, ये सारा बाहर निकल आया। और अगर मीठी है, तो मीठी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मीठी होगी तो ये इसमें नीचे बैठ जाएगा। तो ये हम तीन चार पानी से बिल्कुल साफ अच्छे तरीके से धो लिए हैं। और दो मिनट के लिए इसको इसी पानी में छोड़ेंगे, ताकि इसका जो स्किन है ना वो हल्का सा नरम हो जाए। ज़्यादा नहीं, दो से पाँच मिनट की रखना है। मतलब कि इसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, इतना देर इसको पानी में छोड़ूंगी। तो चलिए चलते हैं इसके लिए मसाला बनाने। तो खसिया बनाने के लिए ये रहा मेरा मसाला। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, चार पांच लाल मिर्च, क्योंकि मैं बताई ना कि ये जीभ पर लेते ही झनाटेदार मिर्च बिल्कुल स्पाइसी बनती है, तो इसमें मिर्च ज़्यादा जाएगी और काली मिर्च भी है। और देखा जाए तो लहसुन का स्वाद भी हल्का सा तीखा होता है। और बस ज़्यादा कुछ मसाला नहीं जाएगा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक और एक बड़ा प्याज। और ये सबको पीसना है, तो जिनको सिलबट्टा पर पीसना है सिलबट्टे पर पीस ले, जिनको मिक्सी में पीसना है तो मिक्सी में पीस ले। तो ये प्याज को मोटा मोटा काट लेते हैं और सबको एक बार मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये जो मसाला है उसको एक बार मिक्सी में पीस लेते हैं। और मसाला पीसने से पहले मेरा ये चना दो मिनट हो गया, तो इसको छलनी में छान लेते हैं। इसका पानी निकलेगा तब तक मसाला पीसते हैं। तो ये देखिए, मेरा मसाला पीस के रेडी हो गया। और चलते हैं खसिया बनाने। खसिया बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हा जला के कढ़ाई रख लिए, और इसी कढ़ाई में ये धुला हुआ चना डाल लेते हैं। इसको एक ही बार में सारा बनाना है, ये नहीं कि अलग अलग थोड़ा थोड़ा भूनना है, क्योंकि ये ज़्यादा पकाना भी होता नहीं होता है और कच्चा भी नहीं रखते हैं। बस एक बार में इसको 10 मिनट के लिए भूनना है, इसको 10 से 15 मिनट के लिए। ऐसे चलाते हुए इसको 10-15 मिनट में भूनना है।
भूनते हुए 10 मिनट हो गया है मेरा चना, और चलाने में इधर उधर गिर रहा है उसको मैं चख ली, ये हो गया है, मतलब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग गई, 10-15 मिनट में हो जाता है। और इसमें काले काले दाग पड़ने लग गए, यानी कि कढ़ाई में जो चिपक रहा है ना तो काला दाग, कंटिन्यू चला रही हूँ ताकि काला ना हो, फिर भी थोड़ा थोड़ा हो गया है तो उसके लिए कोई बात नहीं। अब मैं ये चूल्हा बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। इसको देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और पानी में धोने से ना ये नरम हो गया है। तो मैं चूल्हा बंद कर दी हूँ, 2 मिनट वेट करते हैं इसको ठंडा होने के लिए। और अभी कढ़ाई गर्म है तो इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो जो तले में लगा है ना वो जलने लगेगा, तो इसीलिए चूल्हा बंद करने के बाद भी इसको चला रही हूँ। मतलब ये भुना जाता है पर 50% भुना जाता है, खसिया जो बनता है ना वो पूर्ण रूप से नहीं, नहीं तो रेता में भी भून के बना सकते हैं, पर जो मेन खसिया होता है वो 50% ही भून के बनाते हैं। इस चना को ठंडा होते हुए 2 मिनट हो गया, और अभी इसमें मसाला डाल रही हूँ, तो अलग से कुछ नहीं डालूँगी, जो पीसी हूँ इसमें नमक मिर्च सब है, तो बस इस मसाला को डाल लेते हैं। और 2 चम्मच तेल डालूँगी, और वो भी कच्चा सरसों का तेल, 2 चम्मच सरसों तेल। इन सब को डाल के अभी कढ़ाई गर्म है, कोई बात नहीं इसको फिर से गर्म तो करना ही है, तो इसे एक और अच्छे से मिला के और चूल्हा फिर से जलाएंगे। और इस मसाले को सुखाना है क्योंकि इसको ना स्टोर करके हफ्ता 10 दिन महीना दिन तक खा सकते हैं, ऐसे तो छोड़ देंगे तो ये सूख जाएगा, पर उतना नहीं सूखेगा जितना मुझे स्टोर करने के लिए सुखाना है। तो इसको तेल और मसाला डाल के और फिर से चूल्हा जला लिए और इसको अब सुखा लेते हैं। और चूल्हा सिम है, इसको धीरे धीरे मसाले को सुखाना है, तेज कर देंगे ना तो मिर्ची है उसकी झांस निकल के और अपनी आंखों में लगेगी, इसलिए चूल्हा धीम सिम है। मुझे इसकी झांस लग रही है, गले में गला मेरा दुख रहा है, ढक देते हैं ताकि इसकी जो निकल रही है मिर्ची की धुआं ना वो कवर हो जाए, मेरे गले को ना लगे। और यहीं पर ना एक चना में चख ले रही हूँ कि नमक कम है या ज़्यादा, नमक थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि मिर्ची वाली चीज़ है ना उसमें नमक भी थोड़ा सा तेज ही लगता है, मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो यहीं पर मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल ही लेती हूँ ताकि अभी मिक्स हो जाएगा। तो ये मेरा चना का चखना तैयार है, चना का चखना नहीं, गर्मियों में ना लोग जो ताड़ी पीते हैं उनके लिए ये ताड़ी का चखना है, पर हम चाय पीते हैं तो ये मेरा चाय का चखना है, यानी जब चाय पियेंगे तब मेरा
स्नैक्स तैयार है। और इसको चना भून के कच्चा मसाला सान के भी लोग छोड़ते हैं, मैं थोड़ा सा मसाला डाल के भूनी हूँ ताकि ये मतलब महीना दिन तक ख़राब नहीं होगा, एकदम कड़ा कड़ दांत से बजने वाला भुंजा मेरा तैयार है। और अब ये जाएगा, ठंडा हो गया है तो एक डब्बा ली हूँ और इसमें अब भर के रख देते हैं। बोल तो रही हूँ कि महीना दिन तक के लिए ख़राब नहीं होगा, पर चार दिन से ज़्यादा चलता ही नहीं है, चार दिन से पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा। स्पाइसेस कोई भी चीज़ एक बार बनने भर देरी लगती है, बनने में चाहे जितना देर लगे, खाने में तो बस एक बार पता चल जाए घर में खाने वालों को कि घर में चीज़ें बनी है, ख़त्म होने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए एक डब्बा मेरा भर के चना का खसिया रेडी है। तो आप लोग को भी ऐसा स्पाइसी अगर खाना पसंद है तो आप भी बनाइए खाइए। और मैं चलती हूँ अब चाय पीने।